हमारी गैस जो है ना वो आती है 5 बजे, इसी वजह से फिर हमारा खाना लेट हो जाता है। और दाल हमारी तैयार होगी, आटा हमने सुबह सुबह बनाया है, वो हम गूंथ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। व्यूअर्स, आज हम ये ना साग लेने आए थे, तो देखें ये कितना खूबसूरत साग लगा हुआ है। सरसों का सीज़न है और देखें क्या खूबसूरत सीन है, येलो येलो फूल लगे हुए हैं। तो हम आपको आज ये साग के सीज़न का जो है ना नज़ारा करवाते हैं कि कैसा है साग का सीज़न। तो चलिए फिर हमने लेने फूल इसके। हाय, इतना प्यारा सीन है, ये देखिए यस, हमने सरसों बन गए हम पूरे के पूरे, और बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। दिल चाह रहा था गजरे भी बनाए इसके, लेकिन गजरे नहीं हमने बनाए। देखिए मैंने छुट्टियों पे भी लगाए, अपने कानों में बूंदे भी डाले हैं, और ये भी देखें, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ऐसे में हम आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं जो मेरा फेवरेट भी है, मैं अक्सर वो गुनगुनाती भी हूँ और मैंने आपको सुनाया भी हुआ काफ़ी बार, तो वही मुझे आता है। जानम देख लो मिट गई दूरियां, जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ, कैसी सरहदें कैसी मजबूरियां, कैसी सरहदें कैसी मजबूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ, जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ, कैसी सरहदें कैसी मजबूरियां, यहाँ यहाँ यहाँ। ये देखें व्यूअर्स क्या जबरदस्त सीन है, सरसों के फूल हैं, हम खेतों में खड़े हुए हैं, सरसों का साग है और प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं, हमने इन्हें अपने इन पे भी लगाया हुआ है, छुट्टिया पे भी बहुत जबरदस्त लग रहे हैं। मेरा दिल चाह रहा था मैं इसके गजरे बनाऊं, गजरे बना के भी लगाऊं, पूरा सरसों ही बन जाऊं। ये आपको पता होना चाहिए सरसों का सीजन है, ठीक है ना। ये देखिए भैया, कैसी लग रही हूँ मैं? वेरी ब्यूटीफुल। यस, मैं ना साग बहुत अच्छा बना लेती हूँ, अगर किसी ने खाना हो साग तो फरमाइश कर सकते हैं आप, मेरे से बता सकते हैं, तो साग मुझे बहुत अच्छा बनाना आता है माशाल्लाह से। हम टिपिकल पेंडू नहीं हैं, लेकिन पेंडू वाले काम कर लेते हैं।
काइंडली मुझे बता दिया करें कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है। अगर आपको मेरा व्लॉग ज़रा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। और ये देख लें, मैंने पूरी ज्वेलरी पहनी हुई है। हम दूसरी ज्वेलरी तो परचेज़ नहीं कर सकते, एटलीस्ट हम ये तो कर सकते हैं ना, हमने अपना मन खुश कर लिया और साथ में आपको सीज़न भी दिखा दिया। ये देखें, हमारे सरसों का सीज़न है और कितने प्यारे फूल लगे हुए हैं, सारा कुछ है। ये था मेरा आज का व्लॉग। आज का व्लॉग जो मेरा था वो सरसों का साग था। तो काइंडली आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। अगर आपको मेरा व्लॉग ज़रा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक में शेयर करना ना भूलिएगा और ज़रूर कर दीजिएगा। फिर इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हम फिर मज़ीद अच्छा व्लॉग बनाने की कोशिश करते हैं। तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये देखें व्यूअर्स, मैंने रिंग भी पहन ली है, मैंने पूरा जेवर पहना हुआ है, ज्वेलरी पहनी हुई है। तो अगर मैं अच्छी लग रही हूँ तो ये भी बता देना, अगर मैं बुरी लग रही हूँ तो ये भी बता देना। मैंने बड़ी मेहनत की है, मेहनत से ये मैंने गजरे शजरे हर चीज़ बनाई है। गजरे तो नहीं, खैर मैंने बनाए, बिंदियाँ बनाई है मैंने। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। चने की जो दाल है वो सावर की फेवरेट है, हम सब लोग शौक से खाते हैं। सन्नी ब्रेड होती है, वो दाल की ब्रेड नहीं होती। मुझे ना दाल की ब्रेड भी बहुत अच्छी लगती। चलो अब मैं ना तड़का मेरा बन चुका है, अब मैं दाल वाश करके इसमें डालती हूँ। पानी, क्योंकि हम शोरबे वाली खाते हैं, ज़्यादातर शोरबे वाली पसंद करते हैं, इसलिए हम ज़्यादा पानी डालते हैं। तो ये कहते हैं कि ज़्यादा शोरबा होना चाहिए, बच्चे शोरबा तो शौक से खाते हैं। तो मुझे तो पहले का शोरबा नहीं अच्छा लगता, ये नहीं भर के शोरबा डाल दिया है। ये हमारी दाल होगी तैयार नहीं हुई अभी तक, मीन है इसमें मैंने पानी वगैरह डाल दिया, तैयार होने के चक्करों में है, जल्दी बन जाएगी। वैसे हमारी गैस जो है ना वो आती है 5 बजे, इसी वजह से फिर हमारा खाना लेट हो जाता है। और दाल में आता है, वो मूंद लेते हैं। और